हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विट फैजर यूट्यूब चैनल में। सो कुछ दिनों से कुछ भाई लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे पबजी मोबाइल गेम का जो दूसरा वर्जन है, एक पबजी मोबाइल मर्चिंग करके उसका गेम प्ले दिखाओ या उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मुझे लगा क्यों ना इसको ट्राई करूँ। सो गाइस, मैंने इस गेम को इंस्टॉल कर लिया। इसका साइज लगभग 1700 MB के अराउंड है और पबजी मोबाइल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों। इसे ग्राफिक्स, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल मैं अकाउंट बना के इसमें लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करने के बाद आप नोटिस कर सकते हो इसका ग्राफिक्स जो है कुछ हद तक डिफरेंट है पबजी मोबाइल से थोड़ा। तो पहले मैं सेटअप कर लेता हूँ और आप लोगों को होम स्क्रीन दिखा देता हूँ। जब मैं इसके लॉबी में पहुँचता हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे पबजी मोबाइल जो पीसी है उसमें पहुँच गया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, इसका जो लॉबी है जो पबजी मोबाइल ग्लोबल है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इस तरह का सेटअप आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से ये सोलो, ड्यू और स्क्वाड वाला सिस्टम है यहाँ पे। ओके, तो और इसका सेटिंग्स भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि चाइनीज़ या कौन सा लैंग्वेज में। तो मेरे ख्याल से ये मैप है चार। ओके, एक इरिंगल मैप, सैनहॉक मैप, वैकेंडी मैप और मिरामार मैप, ये तो ये चारों मैप थे। इसके अलावा ये दो डियो सोलो या फिर इसका वो। ओके, तो इसका गेम प्ले दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अलग तरह का गेम प्ले। मैं आप लोगों को पूरा गेम प्ले दिखाऊंगा। सो चिकन डिनर भी करूंगा, पूरा गेम प्ले आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल ये लॉबी का आप लोगों को अच्छे से टूर कर देता हूं। ओके, टूर करा देता हूं। सो काफ़ी पसंद आया मुझे इसका लॉबी, एकदम रियल, मतलब पबजी पीसी की तरह है। सेटिंग्स दोस्तों ये है, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली सेटिंग्स में क्या है। सो गाइस, बेसिकली ये नॉर्मल बेसिक सेटिंग्स है। उसके नीचे जो है ये मेरे ख्याल से ग्राफिक सेटिंग है, HDR या फिर इसमें भी दोस्तों जो अल्ट्रा HD है वो सपोर्ट नहीं करता था। हालांकि मैंने जो FPS है पूरा हाईएस्ट करके खेलने की कोशिश करा था। ये नॉर्मल सेटिंग हम लोगों को देखने को मिलता है। इसका जो सेटिंग्स है या फिर UI है थोड़ा सा कार्टूनिक है, कार्टूनिक टाइप का है, मतलब पबजी मोबाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो आप लोगों को अब गन्स दिखा देता हूं, आर्मोनी में जाके दिखा देता हूं। ओके, फिर हम लोग आर्मोनी दिखाने के बाद, गन्स दिखाने के बाद मैं आप लोगों को गेम प्ले दिखाऊंगा इसका। ओके गाइस, इसमें भी आप लोगों को वही सारे गन्स देखने को मिलेगा जो पबजी मोबाइल ग्लोबल में है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, गेम प्ले में जो है इस सारे गन्स का जो लुक है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा फनी टाइप का होगा। आपको अभी गेम प्ले दिखाऊंगा, आप गेम प्ले देखना सारे गन्स का जो लुक है। लेकिन आर्मोनी में है जो एकदम मैच्योर टाइप का, एकदम जो पबजी मोबाइल ग्लोबल में है उसी तरह का लुक दिया गया है। लेकिन इन गेम जो लुक्स दिया गया है गन का, बड़ा ही अजीब तरह का है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। सो गाइस, गन्स तो सारे के सारे वही आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि स्नाइपर AR है या फिर SMG है, सारे के सारे वही गन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जल्दी से अब गेम प्ले स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को और एंटरटेन करता हूँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, गेम मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये है ट्रेनिंग मोड। सो जैसे जैसे गेम प्ले होता जाएगा मैं कुछ बातें आप लोगों को बताता जाऊंगा गेम प्ले के बारे में। तो पूरा मतलब पूरा वीडियो में मैं बात करने वाला नहीं हूँ, जहाँ पे मुझे लगेगा कि बात करना चाहिए वहाँ पे बात करूँगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये है ट्रेनिंग मोड, कम्प्लीटली काफ़ी डिफरेंट लग रहा है ग्लोबल वर्जन से। ये जो वर्जन है दोस्तों PC वर्जन से बहुत ज़्यादा मिलता है। और कमाल की बात दोस्तों ये है कि इस जो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मतलब ट्रेनिंग मोड में आपको गन्स वगैरह भी मिल जाता है, गन्स पिक करके आप एम वगैरह जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। जबकि ग्लोबल वर्जन में आपको सिर्फ उछल कूद कर सकते हो और कुछ एप्पल्स वगैरह मिलते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो ये है मैप जो है आप लोगों को फोर्टनाइट की तरह लग रहा होगा, जो इरिंगल मैप है, थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल है, थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन है इसमें। ओके, एक और चीज़ आप लोगों को काफ़ी हद तक डिफरेंस देखोगे इसमें आप लोगों को कंट्रोल्स के जो UI है यानी कि साइज़ वगैरह है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा, पहले मैं जंप कर लेता हूँ। सो गाइस, ऑब्वियसली यार ग्राफिक्स काफ़ी हद तक ये शार्प है और थोड़ा कलरफुल है कम्पेयर टू पबजी मोबाइल ग्लोबल। ओके, और सो पहले मैं लैंड कर लेता हूँ। जैसे अब मैप देख सकते हो यार, और बिल्डिंग्स भी दोस्तों जो ऑब्वियसली मैप तो इरिंगल ही है, वही सारे के सारे वही बिल्डिंग्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, वही सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। बट जो इसके जो ग्राफिक्स है ना, किसी में थोड़ा सा कलरफुल बनाया गया है, कोई ज़्यादा ब्राइट है। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो दीवार वगैरह है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये टैंक वगैरह देख रहे हो जो पबजी मोबाइल ग्लोबल है उसमें थोड़ा सा ग्रे है। सबसे बड़ा चेंजेस और थोड़ा सा हंसी आपको आने वाला है, गन्स आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पतला लगता है। सारे के सारे गन्स जो है बहुत ज़्यादा पतले लगते हैं, और मतलब आप अभी देख सकते हो UMP9 मैंने उठाया था, बहुत पतला लग रहा है। ये आप गन देख रहे हो, पिस्तौल वगैरह देख सकते हो, सारे बहुत ही पतले लगते हैं। पता नहीं ऐसा M416 को देख लो यार, तुम कितना पतला बना दिया इन्होंने। पता नहीं ऐसा UI क्यों दिया इन्होंने, मेरे को समझ में नहीं आया। और भाई साहब, इसमें जो रिकॉल है ना, देखना M416 से मार रहा हूँ इसको, देख रहे हो रिकॉल, देख रहे हो गन का कितना भयंकर रिकॉल आ रहा है।
भाई साहब, मतलब M416 का भी इतना भयंकर रिकॉल आ रहा है कि सारे गन्स आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे होंगे, जो भी बहुत ही पतला पतला कर दिया है। सो एक को मैंने किल कर दिया जैसे कि आप लोगों के सामने, और ये मैं ग्राउंड में आ गया हूँ अब। और जो ग्रास वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी हद तक कलरफुल और काफ़ी शार्प है। रिकॉल बहुत ज़्यादा है गन्स में, बहुत ज़्यादा रिकॉल है यार, बहुत, मतलब हिलता बहुत है। कहीं आप एम कहीं और लगाते हो और लगता कहीं और है एम। ओके, और कंट्रोल्स की मैं बात कर रहा था। सो दोस्तों, आप जैसे कि आप देख सकते हो जंपिंग वाला जो आइकॉन है डिफरेंट है, और जो रीलोड वाला आइकॉन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और है ना, आप नोटिस कर रहे होंगे। और रिकॉल को मैं मार रहा हूँ, देखो यार रिकॉल देख रहा हो, देखो यार गन का, M416 से मार रहा हूँ यार मैं। ओके, बहुत भयंकर रिकॉल है यार इसमें। मैंने ऑप्टिमाइज़ ठीक से किया नहीं इन्होंने गेम को, बट ठीक है, इसके पिछवाड़े में मारता हूँ। और नया एनिमेशन से आप देख सकते हो, डिब्बा में जो कोई जब कोई मरता है तो उसके कब्र में जो है दोस्तों लाल कलर का एम्बुलेंस की तरह दिखता है, जो हमारे इंडिया में जैसे कि वो होता है सरकारी गाड़ी में जलता है, उसी तरह का आप लोगों को जो है वो एम्बुलेंस वगैरह देखने को मिलेगा। अब एम्बुलेंस कह रहा हो, लाल कलर का वो देखने को मिलेगा। तो ये है बैकपैक, यानी कि आप इन्वेंट्री मान लो इसको। इस तरह का आप लोगों को यूआई देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपने स्कोप लगा सकते हो, गन्स को देख सक चेक कर सकते हो, मतलब कौन कौन सा इक्विपमेंट्स है वो चेक कर सकते हो। तो इस तरह का आप लोगों को इन्वेंट्री देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो लाल तरह का बत्ती दिख रहा है। स्कोप्स वगैरह, स्कोप को देख लो यार, मतलब इस गेम का साइज़ भी लगभग 1800 MB है, लेकिन मतलब सस्ता जुगाड़ कर रखा है इन्होंने, पता नहीं क्यों। तो मेरे को कोई फायरिंग कर रहा था, फायरिंग जब कोई करता है आसपास होता है तो भी दोस्तों आप मैप में देख सकते हो, मैप में बताएगा कि इस तरफ बंदा है, और उसका फुटप्रिंट्स भी दिखाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बाकायदा बताएगा कि इस तरफ से लाल निशान दिखाएगा कि यहाँ से मार रहा है, उसको ठोको। ये ग्रेनेड्स, अब इसको ठोकूंगा मैं बड़े आराम से, मेरे ख्याल से ये बोट है, मैं आराम से इसको मार देता हूँ। और बोट ही ऑब्वियसली, क्योंकि को पहला मैच खेल रहा हूँ, तो अभी एरिंगल मैप में खेल रहा हूँ, दूसरे मैप में खेलने की मेरी हिम्मत हुई नहीं। और मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ अभी, और गाड़ी वगैरह भी सम के सेम टू सेम दोस्तों वही गाड़ी आप लोगों को मिलेगा जो ग्लोबल वर्जन में मिलेगा। कंट्रोल्स भी सेम टू सेम है। मैं ड्रॉप में जाने की कोशिश कर रहा था, ड्रॉप में जाके कुछ लूटूं, तो देखते क्या होता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये गेम प्ले ग्लोबल वर्जन से, कितना डिफरेंस आप लोगों को लग रहा है प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। गाड़ी रुक जा रहा था यार, पता नहीं बहुत स्लो है कुछ चीज़ें, जैसे कि गाड़ी बहुत स्लो चलता है इसमें। और स्विमिंग करूँगा अभी पानी में दोस्तों, वो भी थोड़ा सा स्लो है ग्लोबल वर्जन से। आई डोंट नो इन्होंने जानबूझ के ऐसा रखा है या फिर कोई बग वगैरह है। सो अब मैं गाड़ी से उतरूँगा और कार 98 का एक शॉट, हेड शॉट दूंगा एक बंदे को, फट देने से हेड शॉट। ये एक आदमी मतलब तैर रहा है यहाँ पे बड़े मज़े से। मैं कई शॉट्स ट्राई करूंगा यार, लगते नहीं है, लेकिन फाइनली लग जाता है मेरा, जैसे कि आप देख सकते हो दो तीन। और आप रीलोडिंग का जो एनिमेशन से वो भी डिफरेंट है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो रीलोडिंग जब गन्स आप करते हो तो वो जो कार 98 या फिर M416 आप जहाँ देख रहे हो वहाँ पे एक अलग तरह का रीलोडिंग वाला वो आएगा। तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें और ग्लोबल वर्जन में। और लूट लेने के लिए गया था मैं, लूट मतलब वो ड्रॉप लेने गया था, बट मेरे को कुछ मिला नहीं। और मैं सोच रहा था एक ग्रेनेड फेंक के देखूं क्या एनिमेशन से आता है, कुछ डिफरेंस तो नहीं है। गाड़ी के ऊपर मैं एनिमेशन से बस, सॉरी गाड़ी के ऊपर वो फेंका मैंने, क्या कहते हैं स्कोप ग्रेनेड्स, बट एनिमेशन सेम टू सेम है। ओके, तो कंट्रोल्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, और एक और चीज़ दोस्तों, ये गेम मैं फ़िलहाल तो 1+5 में खेल रहा हूँ। ओके, और मैं ये आप लोगों को बता नहीं सकता कि आप 1 GB या 1 GB रैम वाले फ़ोन में तो मुश्किल है। एक और चीज़ दोस्तों पहले वो बता देता हूँ, आप नोटिस किया होगा आप लोगों ने, जैसे मैं एक बिल्डिंग के अंदर गया तो ये कांच है। ओके, ये इसका कांच आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब इसको आप मारोगे तो शू मतलब आवाज़ भी आता है, देखो कांच लगा हुआ है, देखो कांच टूटा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये तो अभी नया अपना अपना जो ग्लोबल वर्जन है उसमें भी आ गया सर, 0.12 में। बीटा में तो मैंने देखा है, ग्लोबल जो ऑफिशियल वर्जन में आया कि नहीं आया पता नहीं। सो मेरा एक टीममेट्स आ जाता है यहाँ पे, और ये ग्लोबल से कोई भी चाइनाइज वर्जन है। और आप ये पीक वाला जो आइकॉन है दोस्तों वो भी आप देख सकते हो, कम्प्लीटली डिफरेंट है कम्पेयर टू ग्लोबल वर्जन, वो खड़ा हुआ है पिक। सो मैं इससे मज़े ले रहा था, लेकिन अचानक एक बंदा आ जाता है, हमें शूट्स करने मतलब मारने फायरिंग करने लग जाता, लेकिन मैं उसको ठोक देता हूँ अभी देखो। सो पिक कर रहा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कुछ चीज़ें काफ़ी मतलब आइकॉन्स वगैरह डिफरेंट है इसमें, और बिल्डिंग्स वगैरह भी। ओके, सो ये जंपिंग वाला भी एनिमेशन काफ़ी पसंद आया मेरे को। जैसे कि आप लोगों ने देखा उसको मैंने मारा, लेकिन
मतलब एमिंग वाला जो सिस्टम है थोड़ा सा मेरे को मतलब गड़बड़ लगा इसमें यार, या फिर मैं पहला मैच खेल रहा हूँ इसलिए मेरे से ठीक से नहीं हो पा रहा था, या फिर गेम में ऐसा कुछ है। सो ये है सो एक और सर्कल हो रहा है, सर्कल बंद हो रहा है। सो गाइस आप लोग बताना यार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गेम प्ले कैसा लग रहा है। मेरे को तो बस पीसी से बहुत मैचिंग करता है यार ये, मतलब पीसी से मिलता जुलता गेम इन्होंने गेम प्ले रखा है इन्होंने, जो ये वर्जन है मार्चिंग मार्चिंग करके। सो अब मैंने सिर्फ इरिंगल मैप में ही खेला, मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को सैनहॉग मैप का और जो अदर वेकेंडी मैप्स है उसका भी दिखाऊंगा कि उसमें किस तरह का मैप होता है, किस तरह का गेम प्ले, कितने फीचर्स होंगे वो आप लोग को दिखाऊँगा। ओके सो मैं ऐसे ही मज़े ले रहा था यार फायरिंग वगैरह करके, कोई मिल ही नहीं रहा था बंदा मारने को। सो यहाँ पे मैं ये ड्रॉप जो है लूटा हुआ नहीं था, खाली था एकदम, सो मुझे लगा कि लूट कर लूँ और मेरे को मिला M249। ओके इसका फनी टाइप का बना रखा है इन्होंने यार, एकदम मतलब कार्टूनिस्ट टाइप का गन का जो बना रखा है ना, मतलब लुक बहुत ही बेकार दे रखा है इन्होंने। देखो रिकॉल देखो यार, मैं नीचे मार रहा था और ऊपर जा रहा अपने आप गोली, रिकॉल बहुत भयंकर है यहाँ इसमें, मतलब रिकॉल कंट्रोल करना, मतलब चाहे इसमें सप्रेसर भी लगा के मार रहा हूँ ना मैं M416 में, गेम प्ले में मैंने सप्रेसर लगा के भी मारा, बट रिकॉल जो है बहुत भयंकर आ रहा था, तो रिकॉल में थोड़ा सा इनको करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग बताइए यार आप लोगों को ये गेम प्ले कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा। मैंने पूरा गेम प्ले आप लोग दिखा दिया, अब ख़त्म होने वाला है और हमने चिकन डिनर भी कर लिया, मैंने मेरे ख्याल से 10 किल किया है जैसे कि आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए।